दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आज से करीब 50 साल पहले स्पेस में पहुंचने और नई नई खोज करने की जो असली रेस थी वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच थी। लेकिन फिलहाल समय बदल गया है और अब ये रेस दो देशों के बीच नहीं बल्कि दो बिलियनियर्स के बीच हो गई है, और वो बिलियनियर और कोई नहीं इलन मस्क और जेफ बेजोस हैं। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं दोनों के बारे में और जानेंगे कि क्या सच में ये दोनों हमारी दुनिया को बदल पाएंगे। अगर इलन मस्क की बात करें तो उनकी सोच इस दुनिया के किसी भी आम इंसान से बहुत ही ज्यादा आगे है, और यही वजह है कि उन्हें इस दुनिया का एक रिवोल्यूशनरी इंसान माना जाता है, क्योंकि वो भी अपनी थिंकिंग और बिजनेस आइडिया से इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पोजीशन पर पहुंचे थे। एक तरफ जहां इलन मस्क अपनी कंपनी स्पेसएक्स की मदद से मार्स पर एक इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन स्पेस में एक इंडस्ट्रियल बेस बनाने के ऊपर काम कर रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों बिलियनियर ही इंसानों के भविष्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं और खुद के द्वारा कमाए गए करोड़ों अरबों रुपए स्पेस मिशन में खर्च कर रहे हैं, जो कि अप्रिशिएट करने वाली बात है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि मार्स को कॉलोनाइज्ड करना इलन मस्क का एक ड्रीम या कहें सबसे अहम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए वो अपनी कंपनी स्पेसएक्स में अरबों रुपए लगाते हैं। तो वहीं जेफ बेजोस भी स्पेस में फ्लोटिंग कॉलोनी बनाना चाहते हैं, और वो भी खुद के कमाए गए पैसों से अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन को फंड करते हैं। खैर, इन दोनों का ये प्रोजेक्ट आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह जरूर लगेगा, लेकिन ये बात सच है कि दोनों कंपनीज ही लगातार इन प्रोजेक्ट्स को कारगर बनाने में लगी है, और क्योंकि दोनों कंपनीज के मालिकों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसी वजह से हो सकता है कि वो जल्दी अपने इन प्रोजेक्ट्स में सफल हो जाए। इलन मस्क ने साल 2002 में स्पेसएक्स को फाउंड किया था, और तभी से वो अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, जो होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि आज उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब जब इलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बीते कुछ सालों में इतनी ज्यादा ग्रोथ हासिल की है, तो उसके साथ इलन मस्क का ग्रोथ करना एक स्वाभाविक सी बात है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो इलन मस्क की नेटवर्थ करीब $194 बिलियन है, जो कि बताती है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और शायद यही रीजन है कि वो स्पेस सेक्टर में लगातार ग्रोथ कर रहे हैं और नए नए मिशन लॉन्च कर रहे हैं। आज स्पेसएक्स की एस्टिमेटेड वैल्यू करीब $46 से $50 बिलियन है, पर कई जानकारों के अनुसार ये कंपनी आने वाले सालों में $200 बिलियन की कंपनी बन जाएगी। खैर, अगर आप सभी को लगता है कि मस्क की ये कंपनी अकेले ही काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज कंपनी की सक्सेस को देखते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट और नासा स्पेसएक्स के साथ हाथ मिलाकर काम कर रही है। इतना ही नहीं, इलन मस्क की स्पेसएक्स का अमेरिका के डिफेंस सेक्टर में भी योगदान है, और इसके लिए उसे अमेरिका की गवर्नमेंट द्वारा $1.1 बिलियन का फंड मिला है, जिसमें $149 मिलियन तो अकेले मिलिट्री की मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए ही है। साथ ही नासा और स्पेसएक्स 2024 तक ह्यूमंस को दोबारा चांद पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस ने साल 2000 में ब्लू ओरिजिन कंपनी की स्थापना की थी, और स्पेसएक्स की तरह ही उनकी कंपनी भी नासा के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट में है। आज जेफ बेजोस की नेटवर्थ करीब $187 बिलियन है, जो बताती है कि उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन भी किसी से पीछे नहीं है। हालांकि वो पिछले कुछ सालों से अपना पूरा ध्यान अमेज़न के ऊपर लगा रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कंपनी स्पेसएक्स से कम है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की गवर्नमेंट द्वारा जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन को स्पेसएक्स से ज्यादा फंड मिला हुआ है, क्योंकि बिना ब्लू ओरिजिन के मून पर इंसानों को भेजने का मिशन अधूरा है। अगर हम स्पेसएक्स के मुकाबले ब्लू ओरिजिन को देखें, तो जेफ बेजोस भी अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन में बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, और रिपोर्ट्स की माने तो वो हर साल करीब $11 बिलियन के स्टॉक बेचकर उसका सारा पैसा अपनी कंपनी को फंड करने में लगाते हैं। खैर, वो इलन मस्क की तरह अपनी कंपनी के सीईओ नहीं है, पर क्योंकि उन्होंने उसे फाउंड किया है, तो वो इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। आज नासा द्वारा ब्लू ओरिजिन को $570 मिलियन दिए गए हैं, जो कि लूनर लैंडर बनाने के काम में आने वाले हैं। इतना ही नहीं, ब्लू ओरिजिन को अमेरिका की एयरफोर्स से $500 मिलियन मिले हैं, जिसे वो अमेरिका की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स बना रही है। दोस्तों, ब्लू ओरिजिन को मिला फंड स्पेसएक्स से कहीं गुना ज्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्लू ओरिजिन स्पेस की रेस में स्पेसएक्स से आगे है, क्योंकि मौजूदा समय के हिसाब से स्पेस की इस रेस का विनर इलन मस्क ही है, जो कि दिन प्रतिदिन स्पेस में नए नए मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। अभी आप सभी के मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इलन मस्क और जेफ बेजोस दोनों ही ह्यूमंस को अर्थ से बाहर बसाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। वेल, इलन मस्क के मुताबिक अर्थ आने वाले समय में रहने लायक नहीं बचेगी, इसलिए ह्यूमंस को रखने के लिए एक दूसरे प्लेनेट की जरूरत है, और इसी वजह से ह्यूमन मार्स मिशन लॉन्च किया जाना है, जिससे हम इंसान मार्स को टेराफॉर्म कर सकें। हालांकि जेफ बेजोस की सोच इस बारे में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उनका मानना है कि इंसान अगर स्पेस में बनी फ्लोटिंग कॉलोनीज में चले जाएंगे, तब अर्थ अपने आप को खुद ब खुद रिकवर कर लेगी और वो दोबारा से हम इंसानों के रहने लायक हो जाएगी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जेफ बेजोस का मानना है कि उनकी इन स्पेस फ्लोटिंग कॉलोनीज में करीब 1 ट्रिलियन लोगों के रहने लायक कैपेसिटी होगी,
और इन्हें बनाने में करीब 100 से 200 साल लग जाएंगे। खैर, दूसरी तरफ इलन मस्क का कहना है कि वो 2030 तक इंसानों को मार्स पर पहुंचा देंगे, जो कि उतना आसान नहीं लगता, पर जिस हिसाब से साइंस ग्रोथ कर रहा है तब इस मैटर में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।